आईपीएल बहुत ही नजदीक आ चुका है और आईपीएल की जोरों शोरों की तैयारी हो रही है और सारी टीमें अपनी अपनी फाइनल 11 लगभग तैयार कर चुकी है। और पिछली बार हमने बात की थी सीएसके की बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में, तो आज हम बात करेंगे पिछले बार की डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस की। तो लास्ट टाइम की डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस की बात करेंगे, आज उनके प्लेइंग 11 की बात करेंगे, देखते हैं कि उनका प्लेइंग 11 कैसा होगा और कितना दम है उनके स्क्वाड में, क्या उस स्क्वाड से क्या बेस्ट टीम बन सकती है। और उनके लिए चिंता की बात काफी ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर उनके अनअवेलेबल है शुरुआती कुछ मैचों के लिए, तो देखते हैं हार्दिक पांड्या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो देखते हैं कि गुजरात का क्या होगा बेस्ट प्लेइंग 11। तो यहां पे मैं शुरुआत करना चाहूंगा ओपनिंग से। तो ओपनिंग में तो शुभमन गिल पक्के हैं कि वो शुभमन गिल ही ओपन करेंगे, लेकिन उनके साथ उनके जोड़ीदार के रूप में कौन होंगे, या तो रिद्धिमान शाह हो सकते हैं, लेकिन डेविड मिलर मौजूद नहीं है, तो हो सकता है गुजरात टाइटन्स मैथ्यू वेड को खिलाए। तो मैथ्यू वेड मेरे ख्याल से शुभमन गिल के साथ ओपन कर सकते हैं क्योंकि वो पहले भी ओपन कर चुके हैं और वो एक आक्रामक बल्लेबाज है, तो जो पावर प्ले का फायदा उठा सकते हैं। शुभमन गिल एक एंकर का रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन मैथ्यू वेड वो अटैकिंग बल्लेबाज होंगे जो गुजरात टाइटन्स ढूंढ रही है। तो यहाँ पे मैथ्यू वेड और शुभमन गिल को मैं ओपन कराना चाहूंगा। और तीसरे नंबर पर मैं रखूंगा केएस भरत को, क्योंकि गुजरात के पास अभी भी काफी प्लेयर अनअवेलेबल है, इसके चलते केएस भरत को तीन नंबर पे खिलाना मैं चाहूंगा। हो सकता है तीन नंबर पे केन विलियमसन को खिला ले गुजरात टाइटन्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केन विलियमसन चार नंबर पे खेलेंगे और तीन नंबर पे केएस भरत होंगे। तो केएस भरत मैं तीन नंबर पे रखूंगा और केन विलियमसन को मैं चार नंबर पे रखूंगा, क्योंकि जब स्पिनर इंट्रोड्यूस होंगे तो केन विलियमसन काफी अच्छा कर सकते हैं। और नंबर पांच पे आ जाइए, तो नंबर पांच पे यहाँ पे कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे। जी हाँ, हार्दिक पांड्या नंबर पांच पे बहुत ही अच्छे बैटिंग करते हैं, इंडिया के लिए भी वो पांच छह पे ही बैटिंग करते हैं और यहाँ पे भी वो पांच नंबर पे बैटिंग करेंगे। और छठे नंबर पे आ जाएंगे राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया भी एक अच्छे फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं, कुछ मैचेस उन्होंने पिछले साल फिनिश किए हैं और उससे पहले जब राजस्थान की तरफ से खेलते थे तो भी काफी अच्छे मैचेस उन्होंने फिनिश किए हैं। तो यहाँ पे राहुल तेवतिया मैं छठे नंबर पे रखूंगा। सातवें नंबर पे आ जाइए राशिद खान। राशिद खान को बॉलिंग के लिए पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो एक अटैकिंग बल्लेबाज भी है, काफी यूजफुल रन बनाते हैं वो एंड ऑफ द इनिंग। राशिद खान एज ए बैटर भी काफी हेल्प कर सकती है गुजरात टाइटन्स को, तो राशिद खान नंबर सात पे होंगे। बॉलर की जहां तक बात की जाए तो यहाँ पे साई किशोर को मैं खिलाना चाहूंगा, उसके बाद यश दयाल, उसके बाद उसके बाद फास्ट बॉलिंग में आ जाइए तो अलजारी जोसेफ होंगे और मोहम्मद शमी, ये दोनों मिलके फास्ट बॉलिंग को संभालेंगे क्योंकि दोनों का पेस काफी अच्छा है। और तो डेथ ओवर में काफी अच्छी रहेगी बॉलिंग गुजरात टाइटन्स की अगर ये दोनों बॉलिंग करते हैं, मोहम्मद शमी और अलजारी जोसेफ, काफी पेस है इनकी बॉलिंग में रहता है और शुरू में बॉल स्विंग भी कराते हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। और हार्दिक पांड्या भी आजकल बॉलिंग कर रहे हैं, तो जहां तक बॉलिंग की बात है तो गुजरात टाइटन्स को बॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अगर दिक्कत होगी भी टॉप ऑर्डर में हो सकती है क्योंकि तो उनकी बल्लेबाजी डेविड मिलर के ना होने से थोड़ी सी हल्की नजर आ रही है। यहाँ पे गुजरात टाइटन्स की टीम इस प्रकार होगी, शुभमन गिल के साथ आएंगे मैथ्यू वेड, उसके बाद तीन नंबर पे केएस भरत, चार पे आएंगे केन विलियमसन और यहाँ पे पांच नंबर पे कप्तान हार्दिक पांड्या खुद होंगे, छठे नंबर पे होंगे राहुल तेवतिया, उसके बाद राशिद खान, आर साई किशोर, यश दयाल, अलजारी जोसेफ और मोहम्मद शमी। तो ये रही गुजरात टाइटन्स की इस साल की टीम, अभी तक जो प्लेयर्स अवेलेबल है उनके हिसाब से ये एक बेस्ट 11 मेरे ख्याल से लग रहा है। आपको क्या लगता है गुजरात टाइटन्स की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, प्लीज कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।